गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे तबीयत पानी? टका टक सब अपने घर में मस्त बैठे ना? ओके, घर पे बैठे रहना, कहीं जाना नहीं। आज ऑसिलेशन का जेई लेक्चर शुरू कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट अप, ऑलरेडी कर चुके हैं इस चीज़ को। कुछ नई चीज़ें होंगी, वो सब बताऊंगा मैं आपको। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यू नो ऑसिलेशन कम्स अंडर अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया विच इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन का मतलब है अ मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ रोटेशन 24 घंटे के बाद फिर से रिपीट होता है। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ 365 के डेज के बाद फिर से वही मोशन रिपीट होता है। झूले का मोशन टिक टाक, पेंडुलम का मोशन भी कह सकते हैं। या फिर किसी स्प्रिंग को ब्लॉक के साथ दबाया जाए, चोइंग चोइंग ऊपर नीचे करता रहता है। ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ पीरियोडिक मोशन। सो मैं एग्जाम्पल्स ही लिखता हूं। रोटेशन ऑफ द अर्थ, मोशन ऑफ अ स्विंग, पेंडुलम, एक्सेट्रा। अब पीरियोडिक मोशन में इतने सारे टाइप के मोशन हमने देख लिए, बट एक खास टाइप का मोशन हमको देखना है, विच इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। नाउ ऑसिलेटरी मोशन इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ पीरियोडिक मोशन, इट इज एक्चुअली पीरियोडिक मोशन, बट ऑसिलेटरी मोशन का मतलब है टू एंड फ्रो या अप एंड डाउन मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड मीन पोजिशन। सो द टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन मोशन ऑफ अ बॉडी, तो आपने देखा इस टू एंड फ्रो या अप एंड डाउन वाले में अर्थ का रोटेशन मैटर नहीं कर सकता, अर्थ का रोटेशन बीच में नहीं आ सकता। एज ए रिजल्ट रोटेशन ऑफ द अर्थ इसमें नहीं आ सकता। हाँ, स्विंग का आ सकता है, पेंडुलम का आ सकता है, वट एवर मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड मीन पोजिशन, इसको कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल, यू नो एग्जाम्पल दिखाई देता हूं यार। सपोज कोई बॉडी है, कोई ब्लॉक है, एंड उसको यहां से, ये यहां से सपोज यहां जाता है, यहां तक, यहां से वापिस आता है, यहां पे ओ पे आता है, दिस इज कॉल्ड ए। यहां से यहां जाता है, इधर पहुंचता है, वील कॉल इट बी, और यहां से वापिस ओ पे आता है। सो टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉडी, दिस इज द फिक्स्ड मीन पोजिशन। दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन, एंड इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कह सकते हैं, ऑल्सो नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन, SHM। दिस इज द मोर टेक्निकल नेम ऑफ ऑसिलेटरी मोशन। बस इंपॉर्टेंट यही है कि जब हम SHM की बात करते हैं, तब हम यूजुअली ये ऑसिलेटरी मोशन किस कारण के अंडर में हो रहा है, किस रीजन के अंडर में हो रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। नाउ बट ऑफकोर्स अगर कोई बॉडी यौ डिस्प्लेस होता है तो शुड कीप ऑन गोइंग देयर, व्हाई शुड इट कम बैक? दिस कैन हैपन ओनली व्हेन देयर इज अ रिस्टोरिंग फोर्स। वेरी वेल, सो दिस हैपन्स अंडर दिस ऑसिलेटरी मोशन अकर्स अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ अ रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स अपने को पता ही है, एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, मतलब proportional to displacement but directed opposite to displacement, occurs under the influence of a force which is proportional to displacement and acts in a direction opposite, did I say opposite? Yes, I said opposite, direction opposite to the displacement। So यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आ गई, ये हो गया रिस्टोरिंग फोर्स एंड वी नो इट एज एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स और एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ओके, सो प्लीज रिमेंबर, ये जो भी ऑसिलेशन हो रहा है, जो भी SHM हो रहा है, इट हैज टू अकर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ समवेयर, कहीं ना कहीं एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स हो जाना चाहिए, तभी जाके ये मोशन पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं, कौन सी चीजें, कौन से इक्वेशंस इस टाइप के मोशन को यू नो एक्सप्लेन कर पाएंगे? तो ओनली साइनोसॉइडल इक्वेशंस, यू नो लाइक साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, वही इस मोशन को सेटिस्फाई कर पाएंगे, इस मोशन को एक्सप्लेन कर पाएंगे मैथमेटिकली। तो
हम जाके एक सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, एक इक्वेशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं. या समबडी वाज सेइंग समथिंग. बताता हूँ, एस एच एम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द इन टर्म्स ऑफ साइनो सॉइडल फंक्शंस विद अ चेंजिंग विद टाइम लाइक साइन ओमेगा टी एंड और कॉस ओमेगा टी. यू नो एनी एनी फंक्शन दैट हैज दिस टाइप ऑफ शेप इज कॉल्ड अ साइनोसॉइडल फंक्शन. नाउ आई एम श्योर यू नो, यू विल से सर दिस इज साइन ओमेगा टी, बट ये तो देखने वाले के ऊपर है. अगर तुम यहां से शिफ्ट करके अपना अटेंशन यहां से फोकस करना शुरू कर दो, इज इंट दिस कॉस ओमेगा टी नाउ. सो तुम, ये सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है कि तुम कहां से देखना चाहते हो. अगर तुम यहां से देखना चाहते हो तो दिस इज साइन ओमेगा टी, अगर तुम यहां से देखना चाहते हो तो दिस इज कोसाइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी. सो एनी फंक्शन दैट हैज सच अ शेप इज कॉल्ड अ साइनोसॉइडल फंक्शन. सो साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी बोथ आर साइनोसॉइडल फंक्शंस. ओके, सो एवरीथिंग डिपेंड्स कि तुम कहां से, अरे 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 अरे, कहां से देखना चाहते हो भाई. आप देखें अपने घरों में से ही और कहीं से ना देखें. सो ये साइन ओमेगा टी है, नहीं मैं इसको यहां से दिखाता हूं, ये साइन ओमेगा टी है और ये देखने जाओ तो कॉस ओमेगा टी है, ब्लू वाला. ओके, सो दिस इज द आइडिया. अच्छा, सो ये जो फंक्शंस है, जो टू एंड फ्रो मोशन है, अप एंड डाउन मोशन है, सो वी कैन राइट इक्वेशन फॉर एस एच एम एज, यू कैन राइट इट एज एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, और यू कैन ऑल्सो राइट एक्स इज इक्वल टू बी. और इतना ही नहीं, इंडिविजुअली ही नहीं बट इन दोनों का मिक्सिंग भी, बिल्कुल मिक्सिंग यू नो कॉम्बिनेशन ऑफ साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी ऑल्सो विल सैटिस्फाई आर आइडिया. एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस बी साइन ओमेगा टी, मस्त सेटिस्फाई कर देगा अपनी बात को. एंड हम यहां पे एक स्टेप आगे भी बढ़ते हैं कि हियर ए इज व्हाट, लेट अस यू नो हाउ वुड आई, नहीं, ए इज नॉट, तो बी क्या है. कमाल है, मैं इसको, अरे यार फुकट में चले जा रहे हो. ए इज इक्वल टू पी साइन फाइ एंड बी इज इक्वल टू पी कॉस फाइ, मैं पी ले लिया. सो यू कैन राइट दिस इक्वेशन एज पी, नहीं मैंने इसको अज्यूम किया ताकि एक अजम्पशन और कैसे हो सकता है. सो मैंने ए को पी साइन फाइ अज्यूम किया है एंड बी को पी कॉस फाई अज्यूम किया है, लगा डाला यहां पे, पी कॉन्स्टेंट बाहर आ गया कॉमन है, एंड अंदर आप देखना चाहो तो दिस इज साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई. यस एब्सोल्युटली, दिस वाज वेयर आई वाज गोइंग, दिस इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इज इन दिस. जी बिल्कुल. एंड अब जो मैंने अज्यूम किया था उसकी भी वैल्यू निकाल लूंगा. इफ आई स्क्वेयर एंड एड बोथ दीज, आई कैन टेक दिस ऑफ नाउ. जी पी की वैल्यू, फाई की वैल्यू, दोनों की वैल्यू मिल जाएंगी हमको. सो स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, तो क्या मिलेगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इज पी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर फाइ प्लस पी स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर फाइ.
पी स्क्वायर को कॉमन लेके साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज वन, सो व्हाट आर यू लेफ्ट विथ, पी स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जिससे मुझे पी की भी वैल्यू मिल गई जो मैंने अज्यूम किया था रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर फाइव. एंड नॉट ओनली दिस, इफ आई डिवाइड बोथ ऑफ दीज व्हाट डू आई गेट, पी साइन फाइव बाई पी कॉस फाइव. पी साइन फाइव कितना है ए, पी कॉस फाइव कितना है बी, पी पी कट साइन बाय कॉस, सो टैन फाइव इज ए बाय बी, और फाइव इज टैन इनवर्स बी बाय ए. इज दिस एब्सोल्यूटली एक्सेप्टेबल? जब भी ऐसा कोई इक्वेशन आपके हाथ में आए और उन्होंने कहा हो कि भाई इसका एम्पलीट्यूड फाइंड करो, इनिशियल फेस फाइंड करो, अच्छा पी को कहते हैं एम्पलीट्यूड, फाई को कहते हैं इनिशियल फेस, आई होप यू रिमेम्बर, तो तब आप ए की जगह कुछ अज्यूम कर लोगे, बी की जगह कुछ ऐसा अज्यूम कर लोगे जिससे एक नया फंक्शन बन जाएगा, एंड दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द एम्पलीट्यूड एंड द इनिशियल फेस, द वैल्यू ऑफ फाई. इज दिस ओके, एक्सेप्टेबल? या कुछ भी हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट्स ही होंगे, तभी तो यहां पी और फाई, पी और फाई ही आ रहा है. दीज ए एंड बी आर टर्म्स विच आर डिपेंडेंट ऑन पी एंड फाई, एंड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रिलेशन, मैंने ए को पी साइन फाई अज्यूम कर लिया, बी को पी कॉस फाई अज्यूम कर लिया. किसी ने मुझसे पूछा था कि ऐसा कैसे अज्यूम कर रहे हो, पर बी या बी किसके साथ है, साइन ओमेगा टी के साथ, तो मुझे कुछ कॉस का लेना था यहां पे, एंड ए किसके साथ है, कॉस ओमेगा टी के साथ, तो ए के साथ कुछ साइन का लेना था, तो मैंने इस तरह ले लिया. एंड मैं अपने अजम्पशन को यहां जस्टिफाई कर रहा हूं कि मेरे को ये मस्त इक्वेशन मिला, एंड पी की और फाई की वैल्यूज भी मिल चुकी मुझे, तो अब तो ये यू नो अजम्पशन जो है वो एक्सेप्टेबल होगा. फेयर इनफ? बिल्कुल. सो दिस इज हाउ द यू नो आइडियाज अबाउट ए एंड बी, पी एंड फाई विल बी फाउंड आउट. लेट्स गो ऑन एंड लेट अस नाउ लुक एट द जनरल इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक इक्वेशन जो बदल देगा हमारी दुनिया. सो एज आई सेड, अज्यूम करें, अब यहां पे भी अजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है सब, कि सपोज ये स्ट्रेट लाइन है और मैंने दिखाया था कि ये बॉडी है, ये मीन पोजीशन है यहां पे, और यहां से ये ओ है, ये तुम्हारा एक्सट्रीम है, राइट एक्सट्रीम यू कैन कॉल इट, एंड दिस इज योर लेफ्ट एक्सट्रीम. राइट एक्सट्रीम को नीचे ही लिखते हैं नवा, ये किसी से भी अटैच नहीं है, ये सिर्फ एक आइडिया है. यहां मैं कुछ यू नो अटैचमेंट करके नहीं दिखा रहा हूं, मैं सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि बॉडी है, ये एक ब्लॉक है जो यो जा रहा है. मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो स्ट्रिंग के साथ अटैच्ड है या किसी के भी साथ अटैच्ड हो, डजंट मेक एनी डिफरेंस. ओके, दिस इज जस्ट एन आइडिया आई हैव टेकन टू एक्सप्लेन माई इक्वेशन. ओके, अब ये जो ये यो यो कर रहा है, द ब्लॉक परफॉर्म्स एस एच एम, परफॉर्म्स नहीं परफॉर्म्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यू कैन कॉल इट द एक्स एक्सिस, अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, मीन पोजिशन अबाउट मीन पोजिशन ओ. Now, if the general equation for SHM, ladies and gentlemen, सावधान, इस equation को represent करने के लिए क्या, इस motion को represent करने के लिए कौन सा equation use करूंगा मैं, एक equation जो बदल देगा हमारी दुनिया, x cos omega t plus phi, वाह 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 भाई, याद रखना साइन भी एक्सेप्टेबल है, ऐसी कोई बात नहीं है. ओके,
और अब ये तो ठीक है, ये आपने इक्वेशन को अपना बनाया था, एनसीईआरटी में बोर्ड में बनाया था अपना, और इस इक्वेशन के साथ बहुत बहुत आपने काम किया था। यहां पे ए को कहते हैं, हियर एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी, द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर फ्रॉम द मीन पोजिशन, सब कुछ मीन पोजिशन से देखा जा रहा है। ए इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, एंड वॉट इज एम्पलीट्यूड, इजन्ट इट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन ऑफ एस एच ओ फ्रॉम मीन पोजिशन। मतलब ये जो है ना तुम्हारा, ये एम्पलीट्यूड हुआ, ये भी एम्पलीट्यूड हुआ। अच्छा, अगर तुम राइट हैंड साइड को प्लस ए लेते हो तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी माइनस ए। ये ओरिजिन पकड़ के तुम चलना, राइट हैंड साइड पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव। अच्छा, ये जो ओमेगा टी प्लस फाइव है उसको कहते हैं फेज, फेज थीटा इज ओमेगा टी प्लस फाइव, इट इज द फेज ऑफ द ऑसिलेटर एट टाइम टी, इट इज द फेज ऑफ द एस एच ओ एट टाइम टी, एंड हियर फाइव, डोंट वरी आई विल कम टू ओमेगा, आई नो यू लाइक ओमेगा। फाइव इज कॉल्ड इनिशियल फेज और फेज कॉन्स्टेंट, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट ईपॉक, ईपॉक इट इज द फेज ऑफ द एस एच ओ एट टाइम टी इक्वल टू जीरो। ओके, अच्छा भाई, और अब मैं तुम क्या यूज करोगे, ये इक्वेशन तो जग जाहिर है, बट कहां कैसे यूज करना ये मैं आपको सिखाता हूं। कैन आई टेक दिस मच ऑफ नाउ? ओके, एंड भले ये हथियार मिल गया है आपको, पर इस हथियार को वापरने के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, कुछ रूल्स है, और वो रूल्स मैं आपको अब बताऊंगा। वन, इफ मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम द राइट एक्सट्रीम, इफ मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर राइट एक्सट्रीम और लेफ्ट एक्सट्रीम एट टी इक्वल टू जीरो, तो हम कौन सा यूज करेंगे? फाइ कितना हो गया? जीरो। एंड एज अ रिजल्ट इक्वेशन कौन सा यूज करोगे तुम? एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, इज दिस ओके? सो अगर मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम द एक्सट्रीम राइट या लेफ्ट कोई भी चलेगा, देन यू विल यूज एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, फाइ की वैल्यू जीरो हो जाती है। बट अगर वो तुमसे कहे कि मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजिशन, लेडीज एंड जेंटलमैन आर यू लिसनिंग टू मी, आर यू रियली लिसनिंग? अगर वो तुमसे कहे मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजिशन, तो ये इधर से इधर तक आने में फाइ कितना हो गया? 90। एंड हाउ मच विल बी कॉस 90 प्लस ओमेगा टी? इजंट इट साइन बदल जाएगा? सो इफ मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम, ये नंबर टू, इफ एस एच एम स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजिशन, यू नो यू विल कम अक्रॉस ऑल दीज थिंग्स मेनी टाइम्स, मीन पोजिशन एट टी इक्वल टू जीरो, देन इनिशियल फेज ऑलरेडी पाई बाई टू हो गया। सो तुम इक्वेशन कौन सा यूज करने वाले हो? इसको ले लो। हाँ जी बेटा, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, देन एक्स इज इक्वल टू ए अंडरस्टैंड दिस, जब बॉडी सपोज यहां से शुरू होता है और टक 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 टक, डोंट यू अग्री, व्हेन इट गोज फ्रॉम ए टू ओ टू बी, बी टू ओ टू ए अगेन, वन फुल ऑसिलेशन हैज बीन कंप्लीटेड, वन कंप्लीट एस एच एम हो गया। अच्छा, तुमको पता है एक पूरी साइन की साइकिल भी कंप्लीट हो गई है। आई होप यू रियलाइज कि जब आप एस एच एम की बात करते हो, यू आर एक्चुअली लुकिंग एट द साइकिल, द साइनोसॉइडल साइकिल। सो इसको नोट में डाल देता हूं,
द बॉडी गोज फ्रॉम ए टू ओ, ये टू क्यों लिखा मैंने, ए टू ओ टू बी टू ओ एंड बैक टू ए, देन वन ऑसिलेशन हैज बीन कंप्लीटेड. एंड आई एम श्योर यू आर अवेयर कि इस एक ऑसिलेशन के चार टुकड़े हुए, एक दो तीन चार, बराबर चार पार्ट्स हुए ना, एक दो तीन चार, चार पार्ट्स हुए एंड वन कंप्लीट साइनोसॉइडल साइकिल, कॉस की साइकिल. वाओ आई लव दिस साइकिल. ये था तुम्हारा ए, ये था तुम्हारा ओ, ये था तुम्हारा बी ऑपोजिट एक्सट्रीम, ये था तुम्हारा ओ और ये वापस आया तुम्हारा ए. इजंट दिस वन ऑसिलेशन और वन साइकिल? डू यू अग्री दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस? एंड आई एम श्योर यू नो एक पूरी कोसाइन साइकिल कितना एंगल पकड़ती है, 2π रेडियन. नाउ इफ आई वर टू डिवाइड दिस होल 2π रेडियन इंटू फोर इक्वल पार्ट्स, हाउ मच वुड ईच पार्ट बी? 90. वाला तुम्हारी बॉडी यहां थी तो 50 था, अब यहां से यहां आई तो कितना एंगल कवर हो गया अब? 90. तो मेरा पाई बाई टू लगाना यहां पे अब सही लग रहा है? वेरी वेल. सो इस बात से अपने को एक चीज और नहीं पता चली कि वन ऑसिलेशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ फेज ऑफ 2π रेडियन. इज दिस परफेक्ट? वन ऑसिलेशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ फेज ऑफ 2π रेडियन. एज अ रिजल्ट 1/4 ऑसिलेशन विल कॉरेस्पॉन्ड टू अ फेज ऑफ पाई बाई टू रेडियन. एंड एज अ रिजल्ट इफ योर SHM starts from mean position, तो यू आर गोइंग टू यूज x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी. इफ योर मोशन स्टार्ट फ्रॉम एनी एक्सट्रीम देन यू आर गोइंग टू यूज x इज इक्वल टू ए cos ओमेगा टी. प्लीज आई वॉन्ट यू टू जॉट डाउन दीज टू पॉइंट, दे आर गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट. यू कैन ऑल्सो राइट दिस मच डाउन. राइट, तो हमने इक्वेशन देखा x इज इक्वल टू ए cos ओमेगा टी प्लस फाइव. अब टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं. टाइम पीरियड मतलब द टाइम टेकन फॉर दी SHO टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड एंड इट इज डिनोटेड एज टी, डिनोटेड एज इसको कहते हैं बड़ा टी, एंड SI यूनिट इज सेकेंड. फिर आता है फ्रीक्वेंसी. यू नो द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस completed by the oscillator in 1 second is called frequency. So number of oscillations in 1 second is called frequency, denoted as nu. इन सबसे तो आप बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं, nu. And you should also know that nu is 1/T and SI unit of nu is second inverse. Or better known as hertz. So remember, 1 hertz is 1 second inverse. You can also call it oscillations per second. And then finally, we have angular frequency, denoted as omega. And the product of frequency and 2π radian. Of frequency and 2π radian is angular frequency. So angular frequency ka equation ho jata hai, omega is 2π nu, and because nu is 1/T, you can also call it omega is 2π/T. Okay, SI unit of omega is radian per second. Okay, omega is radian per second. तो ये हुए टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी और एंगुलर फ्रीक्वेंसी.
अब लेट्स टॉक अबाउट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन यूजिंग द मेन इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव. कैन आई टेक दिस ऑल ऑफ? यू नो ऑल दिस? सो वी आर नाउ टॉकिंग, वी आर गोइंग नाउ डिराइव, एक्चुअली वी आर नॉट गोइंग टू डिराइव एनीथिंग, वी हैव ऑलरेडी डिराइव दैट इन बोर्ड लेक्चर्स. वी आर जस्ट गोइंग टू लुक एट इट अगेन. सो वेलोसिटी and acceleration in SHM. Now the equation for displacement so x is equal to a cos omega t plus phi as usual, and if you need velocity we have to differentiate x with respect to time. So differentiating equation 1 with respect to time, हमको क्या मिलेगा? Velocity v is dx by dt, and x की जगह पे इसको लगाया जाए. I hope you haven't forgotten d by dt of sin something and d by dt of cos something. Yes, sir. भाई, should I write it? I think I should write it. d by dt of sin t is cos t. And d by dt of sin 5t is cos 5t into d by dt of 5t, which becomes 5 cos 5t. It's like something. D by dt sin something is cos something into d by dt of that something. D by dt of 5t is 5. Agar main is jagah cos le aao, d by dt cos t, how much will it become? एंड उसी तरह ये चीज आगे बढ़ती जाएगी. तो मैं इसको ए को बाहर लेता हूँ, डी बाई डी डी ऑफ कॉस समथिंग करता हूँ, माइनस साइन समथिंग हो जाता है, और फाइनली डिफरेंशिएशन करके मुझे इक्वेशन मिलता है वी इज माइनस ओमेगा ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव. मस्त इक्वेशन. वैसे बहुत कम बार मैंने इसको यूज किया है, क्योंकि यूजुअली एक और इक्वेशन आपको मैंने बताया था, हमने बोर्ड में उसको खास इस्तेमाल नहीं किया, बट वी इज प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. बिलीव मी दिस इक्वेशन इज गोइंग टू बी टेरिफिकली यूज्ड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर इन जेईई नीट. तो ये वी इज इक्वल टू प्लस माइनस ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. प्लस माइनस का मतलब है इस तरफ जा रहा हो तो प्लस, इस तरफ जा रहा हो तो माइनस, एज यू नो द आइडिया गोज. अच्छा, इफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, मतलब मीन पोजीशन, एक्स को जीरो लगाओ, वी कितना होता है? प्लस माइनस ओमेगा ए. इजंट इट मैक्स वेलोसिटी? मीन पोजीशन वी मैक्स प्लस माइनस ओमेगा ए. एंड अगर एक्स प्लस माइनस ए हो, मतलब एट एक्सट्रीम्स, वेरी गुड, बिकम्स ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. तो वी इज इक्वल टू जीरो. सो बीच में मीन पोजिशन पे स्पीड मैक्स होती है, घटते 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 जीरो, बढ़ते 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 मैक्स, घटते 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 जीरो, बढ़ते 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 मैक्स. तो स्पीड घट बढ़ रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन भी इन्वॉल्व है. तो इसके साथ डिफरेंशिएट टू विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो मिल जाता है एक्सेलरेशन ए डी वी बाई डी टी. वी की जगह इसको लगा डालेंगे एंड फाइनली हमको मिलेगा, भाई जबरदस्त इक्वेशन है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए. ये तुम्हारे फेस के फॉर्म में, एंड सिंस यू रिमेंबर एवरीथिंग, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव इज इन दैट एक्स. So A is minus omega square x. जब x zero हो, and जब x is equal to plus minus a हो, तो acceleration minus plus. Maybe you know it, maybe you don't, but this equation 5 is a very important equation.
Because this equation gives us the differential equation for SHM. Can I take this side down? I hope you've written these equations. Have you? Have you? Differential equation for SHM क्या होता है? You know, जिसमें d by dx व d by dt वाली terms हो वगैरह हो, उसको कहते हैं differential equation for linear SHM. This is linear SHM. We know. Do you know acceleration A is dv by dt? I'm sure you also know v is dx by dt. So acceleration actually is d square x by dt square. For SHM, हमने अभी देखा acceleration is minus omega square x. So अगर acceleration की जगह d square x by dt square लगा दो, so d square x by dt square is minus omega square x. तो can I write therefore d square x by dt square plus omega square x is zero. Ladies and gentlemen, this d square x by dt square plus omega square x is zero. This is the differential equation for linear SHM. अभी कोई बोलेगा सर आप linear SHM क्यों बोल रहे हो? अब तक तो सिर्फ हम SHM ही बोलते थे. This is linear SHM. This is angular SHM. जब हम distance की बात कर रहे हैं तो वो linear SHM है, पर जब हम angular displacement की बात करते हैं, angles की बात करते हैं, तो it becomes angular SHM. और ये भी एक बहुत अच्छा topic है, मैं अभी कराने वाला हूँ इसको. But इससे पहले कि मैं कराऊं, मैं आपको पहले linear SHM के ideas दिखा देता हूँ. Okay, ये हो गया तुम्हारा. Okay, now I'm taking this off. हम ओमेगा का एक नया इक्वेशन फाइंड करने की कोशिश में है. लेट्स फाइंड आउट. एज आई सेड एंड एज यू अग्रीड, ऑल दिस ऑसिलेशन हैपन्स अंडर द इफेक्ट ऑफ विच फोर्स पीपल? अच्छा, ओके. आई कॉल इट फोर्स लॉ ऑफ SHM. सो SHM अकर्स under the effect of restoring force, जिसका equation अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था. क्या था भाई? F is equal to, अच्छा, also आपको पता ना force मा होती है, और अभी थोड़ी देर पहले acceleration आपने find किया था minus omega square x. If you are looking at equations 1 and 2, both are equations for F. Yahan F, yahan X. So aren't these equations analogous? And because they are analogous, don't you think this term should be equal to this term? So comparing 1 and 2, I get a very lovely equation. K is m omega square. You remember what we called it? Km omega square. You remember that? Km omega square. Okay. And from here, I get omega square is k by m, which gives me, therefore, omega is root of k by m. Acha. ओमेगा के संगे संगे फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगा. ओमेगा इज व्हाट? 2 पाई नू. 2 पाई नू इज रूट ऑफ के बाय एम. सो हाउ मच इज नू? 1/2 पाई. ओ, इज दैट ट्रू? एंड इधर से टाइम पीरियड भी मिल ही जाता है, जो काफी इस्तेमाल होता है. टी इज 1 बाय नू, एंड एज द रिजल्ट टी is 2 pi root of m by k. Ladies and gentlemen, I hope you haven't forgotten
के इज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, बराबर के इज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, ऐसा यूनिट न्यूटन पर मीटर। ओके तो ये के का इक्वेशन, ओमेगा का, नू का और टी का, ये बहुत काम आएंगे हमको, काइंडली जॉट देम डाउन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके लेट्स मूव फोर्थ। अब मैं फिलहाल एंगुलर एसएचएम को थोड़ा सा बैक बर्नर पे रख रहा हूँ, मैं एनर्जीज की ओर जा रहा हूँ और उसके बाद मुझे स्प्रिंग्स को देखना है, इसलिए स्टे विथ मी, आई एम टेकिंग दिस ऑल ऑफ। ओके ये नई चीज है जो आज पहली बार आप देखेंगे बोर्ड में, इसके साथ कुछ काम नहीं किया गया, बट जेई नीट में इसका इंपॉर्टेंस काफी है, सो आई वॉन्ट टू शेयर दैट विथ यू टूडे। सो आई नीड टू रोल फास्ट, आई नीड टू रोल फास्ट बाई काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, वी नो ऑल दिस सो आई कैन मूव फास्ट। भाई काइनेटिक एनर्जी, ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, एवरीबॉडी नोज के इज हाफ ओमेगा एम वी स्क्वायर। अच्छा वी की जगह जो मैं इक्वेशन लाया था, बट एज आई सेड I do not prefer to use this equation. I don't use phase equations too much. This is just a matter of derivation. But I would rather prefer to use the equation for V, which was plus minus omega root of. And इसको मैं यहाँ इसमें डालूँ तो I get a very lovely equation, kinetic energy is half m omega square bracket agreeable, this is a better equation, sorry लगाना है तो लगाओ, you already know it ना, that will not make a difference। Okay this equation seems better like this, the potential energy of SHO भाई as is we know जो फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी एसएचओ के साथ दैट विल बी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी एंड एवरीबॉडी नोज पोटेंशियल एनर्जी यू इज हाफ के एक्स स्क्वायर, व्हिच प्रॉम्प्ट्स मी टू राइट एन इक्वेशन के की जगह एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। You wish to write x as a sine a cos omega t plus y, be my guest, I am not too much of a you know writer of that equation, main sirf in dono ko dekh raha hu, acha acha aisa, and I am going to add 2 and 3, the sum of kinetic energy and potential energy is called mechanical energy or total energy, and we denote it as e, so e is equal to ke प्लस पी के प्लस यू, एंड इन दोनों को ऐड किया, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर उड़ गया, क्या बचा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, एम ओमेगा ए सब कांस्टेंट है, सो इजंट द टोटल एनर्जी आल्सो कांस्टेंट, एंड हमने इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक ग्राफ बनाया था, आई एम टेकिंग दिस ऑफ, लवली ग्राफ इट वॉज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी, साथ में ही तीनों दिखाई दिए थे, दिस वॉज मीन पोजिशन एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस वॉज राइट एक्सट्रीम एक्स इज इक्वल टू प्लस ए, एंड दिस वॉज लेफ्ट एक्सट्रीम एक्स इज इक्वल टू माइनस ए। पोटेंशियल एनर्जी रखो, जब एक्स जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, जब एक्स ए है तो पोटेंशियल एनर्जी भी मैक्सिमम है, सो ये मेरे तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी के, and this is your half m omega square a square। अच्छा kinetic energy x जब zero हो तो half m omega square a square ये वाला, तो this is your kinetic energy, okay this is ke, this black colored is p, and total energy के लिए half m omega square a square which forms this line, okay this is your
टोटल एनर्जी विच रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट. ऑल्सो एट, ये मैं नोट में ही डाल देता हूँ, एट एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाय रूट टू, देन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. ये पॉइंट हमने देखे थे, के और पी को इक्वेट किया था तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए बाय रूट टू आया था. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी. फिर द फ्रीक्वेंसी ऑफ के एंड पी इज डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ एस एच एम, क्योंकि स्क्वायर है ना यहां पे, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, इज डबल द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन, जिसमें सिर्फ कॉस होता है या साइन होता है. इसमें साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होने की वजह से फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है. ओके, सो दिस इज द आइडिया ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी. लेट्स मूव फोर्थ, एंड आई एम गोइंग टू डिफरेंट सिस्टम्स. द फर्स्ट सिस्टम आई एम लुकिंग एट इज कॉल्ड अ स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम. वॉट इज इट कॉल्ड? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम. You know this already. Suppose I got a spring and I got a block of mass m, something like this. मैंने स्प्रिंग लगाया है यहां से, ये ब्लॉक मास m है, स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है. मैं थोड़ा सा यौ ले जाता हूं और छोड़ता हूं, लेट अस से मैं यहां से यहां तक लेके गया, इसको कहते हैं एम्पलीट्यूड, और यहां से छोड़ा, दिस विल कम लाइक चोइंग, फिर अंदर जाएगा चोइंग 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 चोइंग, इट विल परफॉर्म एस एच एम. सो ब्लॉक परफॉर्म्स एस एच एम विथ फ्रीक्वेंसी नू इज इक्वल टू वन बाय टू पाई रूट ऑफ के बाय एम, एंड टाइम पीरियड टी इज ऑल्सो टू बाय रूट ऑफ एम बाय के. इज दिस अग्रीएबल पीपल? अच्छा, अब एक नया चीज दिखाता हूं आपको, एकदम तड़कता भड़कता नया सिस्टम. स्प्रिंग एंड टू ब्लॉक्स. लेडीज एंड जेंटलमैन, ध्यान रखिएगा, आई एम नॉट गोइंग टू डिराइव इट एज सच. Suppose this is M1 and this is M2. This is a spring of constant K and दोनों ends पे एक block mass M1 है, block mass M2 है. तो अब इस system का अगर मैं इसको ऐसे छोड़ू चौ तो चौ करके oscillation होगा. So the system performs oscillations, performs SHM with frequency, ध्यान से देखिएगा, नू इज इक्वल टू वन बाय टू पाई रूट ऑफ के बाय म्यू. सर ये म्यू कौन है बताता हूं, टाइम पीरियड टी इज टू पाई रूट ऑफ म्यू बाय के. नाउ दिस म्यू, के तो समझ में आ गया, के ये है, म्यू कौन है सर? यहां M1 है, M2 है, म्यू नहीं है भाई. लेडीज एंड जेंटलमैन, म्यू इज कॉल्ड रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम. व्हाट इज इट कॉल्ड? रिड्यूस्ड मास ऑफ द सिस्टम. एंड म्यू की वैल्यू है, मैं नहीं ब्लू ले लेता हूं, ब्लू ब्लू ब्लू, लेट मी हैव अ ब्लू. म्यू, आई होप यू आर राइटिंग दिस, इज M1 M2 ओवर M1 प्लस M2. Are you looking at this, people? Please draw this diagram, write the equation for mu and write the equation for time period and nu. Because मैं इसी वक्त इस जगह को खाली करके इसके ऊपर बेस्ड एक सम सॉल्व करने जा रहा हूं. अगर आप मेरे साथ आ रहे हैं तो खुशी की बात है. आओ आओ आओ, मैं कौन सा सम करने जा रहा हूं? I got it all worked out. I am going to do number example 5. I am doing example 5. I hope you have opened your books. We are looking at numericals from Arihant's Master Resource Book in Physics by D.B. Singh. Example 5.
What does it say? If you're looking at the diagram, 2 point masses of 3 kg and 1 kg. तो ये जो है ये 3 किलो है और ये जो है ये 1 kg है. And so M1 is 3 kg, M2 is 1 kg. Are attached to opposite ends of a horizontal spring whose spring constant is 300. The natural frequency of vibration, nu manga hai. Sabse pehle, don't you agree? This system is same like this, and humko nu is equal to 1 by 2 pi root of k by mu. Mu find karna padega. Reduced mass of system is mu is equal to m1 m2 over m1 plus m2. How much is m1? 3 kg. M2 1 kg over 3 plus 1. Isn't it 3 by 4? Okay. And now natural frequency. Yes, sir. Nu is 1 by 2 pi root of k by mu. Okay. I am ready. K, 300. Mu, 3 by 4. So 3 by chad gayi upar. Boom, boom. Hey, how much is root of 400? Isn't it 20? 20 by 2 pi. 2 into 3.14 is 6.28. 20 by 6.28, kariban 3 ke aspas. Check. Is 3 hertz one of the good options? Fair enough. Okay. Right. तो हमने लास्ट टाइम वो स्प्रिंग और टू ब्लॉक सिस्टम देखा था और अब आपको स्प्रिंग कनेक्शंस दिखा देता हूं मैं. आपने शायद 10th स्टैंडर्ड में रेजिस्टर्स के कनेक्शन देखे होंगे, है ना? सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो स्प्रिंग कनेक्शन, स्प्रिंग के भी कनेक्शन होते हैं. ओके, सबसे पहला सीरीज कनेक्शन. स्प्रिंग भी सीरीज में होती है? हाँ जी, बिल्कुल होती है. सो ये देख लीजिए, ये रिजिड सपोर्ट है, यहां से एक स्प्रिंग लटक रही है, दूसरी स्प्रिंग लटक रही है. लेटस से नीचे मास एम है. दिस इज के वन, दिस इज के टू. रिमेंबर बोथ दी स्प्रिंग्स आर इन सीरीज, क्योंकि इस स्प्रिंग वन को कितना बोझ उठाना पड़ेगा. हम मासलेस अज्यूम कर रहे हैं इनको कि देयर इज नो मास. तो इफ दे आर मासलेस तो इस स्प्रिंग को कितना मास उठाना पड़ेगा? एम. इस स्प्रिंग को भी कितना मास उठाना पड़ेगा? एम. सो बोथ स्प्रिंग्स एक्सपीरियंस द सेम फोर्स विच इज एमजी. दोनों को एमजी भुगतना पड़ रहा है. ऐसा नहीं है कि आधा आधा, थोड़ा तू पकड़ थोड़ा मैं पकड़ता हूं, नहीं. दे आर सेट टू बी इन सीरीज. सो इन सीरीज इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, वी आर नॉट गोइंग टू डिराइव दिस. इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट 1 by Ks इज 1 by K1 प्लस 1 by K2. सो अगर इस तरह लगाई गई है स्प्रिंग्स तो दे आर सेट टू बी इन सीरीज एंड इक्विवेलेंट कांस्टेंट 1 by Ks इज 1 by K1 प्लस 1 by K2. अब ये आ गया पैरेलल कनेक्शन. पैरेलल मतलब प्यारे लाल. मतलब क्या सर? मतलब इस तरह, ये पहली स्प्रिंग, ये दूसरी स्प्रिंग और ये मास एम. कैन यू सी हियर कि ये दोनों मिलके इस एम को उठा रहे? डू यू अंडरस्टैंड दैट? ये दोनों मिलके इस एम को उठा रहे. सो द फोर्स एम जी इज यू नो डिवाइडेड बिटवीन द टू स्प्रिंग. तुम बोलोगे सर इक्वल डिवीजन होगा? नहीं, ऐसी जरूरत नहीं है. जिसका यू नो के चेंज अलग अलग होगा तो फोर्स भी अलग अलग होगा. डिवाइडेड बिटवीन द टू स्प्रिंग्स, हियर एक्सटेंशन इज सेम. डेरिवेशन अगर करना हो तो यहां पे एक्सटेंशन
इज सेम फॉर बोथ स्प्रिंग्स. यहां फोर्स सेम है, एक्सटेंशंस अलग अलग है. यहां फोर्स अलग अलग है, एक्सटेंशन सेम है. एंड इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट केपी विल बी इक्वल टू के वन प्लस के टू. ओके जी. मतलब रेजिस्टर्स में ना, बिल्कुल रेजिस्टर का ये फॉर्मूला सीरीज का था और ये फॉर्मूला पैरेलल का था, है ना? बिल्कुल वो रेजिस्टर्स का फंडा था, ये स्प्रिंग्स का फंडा है. ओके सो आई होप यू आर राइटिंग दिस डाउन. अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट बात पैरेलल कनेक्शन में ये रही कि एक्सटेंशन इज सेम फॉर बोथ स्प्रिंग्स. आई कैन टेक दिस ऑफ नाउ. डायग्राम देख लिया आपने. मैं एक और टाइप का कनेक्शन दिखाने जा रहा हूं विच इज कॉल्ड स्पेशल कनेक्शन. स्पेशल कनेक्शन मतलब ये सीरीज या पैरेलल के उसमें नहीं आता, ये एक अलग ही फंडा है पर इक्वेशन मैच कर जाएगा. ये एम, कैन यू सी दिस? तू इसको थोड़ा सा नीचे लगा, डोंट यू अग्री? ये सेकंड स्प्रिंग दबेगी, पहली स्प्रिंग एक्सटेंड होगी. यू अंडरस्टैंड? तूने सपोज इसको मीन पोजीशन रखा है और यहां से ऐसा थोड़ा सा खींचा, डोंट यू अग्री? इसमें भी रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा और इसमें भी. तो अगर तो ऐसा थोड़ा सा नीचे रख के छोड़ता है तो ये चोइंग यहां रुकेगा नहीं, ऊपर जाएगा. चोइंग 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 चोइंग. बट सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे ये है कि जितना एक्सटेंशन स्प्रिंग वन का होता है उतना ही कंप्रेशन स्प्रिंग टू का होता है. सो द एक्सटेंशन ऑफ स्प्रिंग वन is equal to compression of spring 2. So in essence extension is same, jitna iska utna hi iska. And as a result ye jo equation hai na wo isme bhi kaam aata, equivalent spring constant. To aap isko parallel ke jaisa hi treat kar sakte hain. Equivalent spring constant K is K1 plus K2. And फिर आपको अगर you know frequency find करनी है तो nu is equal to 1 by 2 pi root of K by M. तो K में ये डालो या ये डालो या ये डालो, आपको जो भी डालना है आप डाल सकते हो. Things will work out as they are. बस spring constants अलग अलग हो जाएंगे, उनकी values combination के हिसाब से change होगी. Can I take this one off? अच्छा and before I end the springs matter, I think an important point is to be made. I made this once in the board lecture. I think this is point D. For any spring, for any type of spring, yaad rakhiye k is inversely proportional to length. Or you can also say K into L is constant. अगर तुम्हारे पास कोई स्प्रिंग है, फॉर एग्जाम्पल ये स्प्रिंग है, इसका लेंथ L है एंड इसका फोर्स कॉन्स्टेंट K है. अगर मैं इसके दो टुकड़े करूं, इफ वी कट दिस इंटू टू पार्ट्स, two equal parts, don't you see length aadhi ho gayi, hai na? Yes. And length aadhi ho jane se spring constant double ho gaya. Can you see? Yes, spring constant double ho gaya. Okay.
सो अगर कोई भी स्प्रिंग को आप आधा आधा करो तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो डबल हो जाता है क्योंकि उसकी लेंथ आधी हो गई है, बिकॉज के इंटू एल हैज ऑलवेज टू रिमेन कांस्टेंट. इज दैट एब्सोल्युटली अग्रीएबल? आई वॉन्ट यू टू राइट दिस स्टफ प्लीज, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट. और इसके साथ में एक न्यूमेरिकल करने जा रहा हूं. वी आर क्वाइट यू नो इन विथ टाइम नाउ. आई एम लुकिंग एट राउंड 1 का 50. आर यू लुकिंग एट इट? I can take this all off now. ये जो भी मैं अभी न्यूमेरिकल करने जा रहा हूँ ये सारे स्प्रिंग कनेक्शंस के ही है. आई एम श्योर राउंड 1 का 50 जब आप देख रहे हैं तो आपको स्प्रिंग का ही फंडा दिखाई दिया होगा. डायग्राम भी बना ही दूंगा मैं. सो राउंड 1 का 50. इट सेज एन ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग एग्जिबिट्स ऑसिलेशन ऑफ पीरियड टी. सो यू नो जो पहला वाला फंडा उन्होंने दिखाया है, केस 1, ये तुम्हारा स्प्रिंग है एंड नीचे मास एम है, ये के है. पीरियड टी, एनीबडी कैन टेल मी व्हाट विल बी द टाइम पीरियड टी हियर? कुछ भी, म्यू कहां से आएगा? यू नट्स फॉर समथिंग. कमाल है, म्यू इतना आपके दिल में समा गया, वो दो मासेस हो तभी होता है. ओके अच्छा अब ये पहला डेटा आ गया. नाउ द स्प्रिंग इज कट इनटू टू हाफ्स. नाउ स्प्रिंग इज कट, यही स्प्रिंग इज कट इनटू टू हाफ्स. सो हर एक का फोर्स कांस्टेंट कितना हो जाएगा? 2k. सो स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ईच हाफ is 2k. okay, and now the same object is suspended with two halves as shown. Ab second diagram is tarah ka. yahi mass m hai. ab ye mat bolna sir ye to chota lag raha hai ye bada lag raha hai, aisa to nahi bologe na? अच्छा तो ये इसका दो टुकड़ा कर दिया आधा आधा. के का आधा आधा टुकड़ा हुआ, हर एक का कांस्टेंट कितना? 2k. तो ये 2k वाला, ये 2k वाला, एंड इसी मास m के साथ सस्पेंड किए. न्यू टाइम पीरियड विल बी, भाई ये कौन सा कनेक्शन नजर आ रहा है? पैरेलल. सो दिस इज अ पैरेलल कनेक्शन एंड इक्विवेलेंट फोर्स कांस्टेंट कितना है? 2k प्लस 2k विच इज 4k. सो न्यू टाइम पीरियड, ओ माई गॉड मेरी गोलियां खलास हो रही है. शिट शिट शिट, न्यू टाइम पीरियड t डैश इज 2 पाई रूट ऑफ m बाय k डैश. k डैश रखो ना इसको, एंड k डैश कितना है? 4k. यहां से 1/4 को रूट में से बाहर निकालूं तो 1/2 आ जाएगा, एंड दिस विल बी 2 पाई रूट ऑफ एम बाई के. हाउ मच इज 2 पाई रूट ऑफ एम बाई के? टी. तो क्या मेरा आंसर टी बाई 2 आ सके है? चेक करो ऑप्शन वहां में है क्या. बढ़िया है. ओके देख लो इसको. राउंड 1 का 58 आपके सामने लेके आया हूं, एंड बाजू में डायग्राम बना हुआ है जिसको मैं बनाऊंगा. कुछ इस तरह है और दो स्प्रिंग्स लगी हुई है लाइक दिस. दिस इज के 1, ये दूसरी, दिस इज के 2, एंड यहां से एक तीसरी स्प्रिंग आ जाती है. सॉरी ये के 1 ही है, के 2, और यहां पे मास सस्पेंडेड है. ओके अच्छा अपने को उन्होंने पूछा है
What will be the equivalent force constant of the spring system as shown? So K equivalent find करना आपने को. अच्छा, let's look at this system first. Aren't these two in parallel? The two upper springs are in parallel, and as a result, the equivalent constant K dash will be K1 plus K1, which is 2K1. So if I were to draw a new diagram again, this would be something like this. This is K dash. Achha, aisa hua hai. Now K dash and K2, these two are in series. And series mein, I think this is the final thing. Equivalent constant 1 by K equivalent is 1 by K dash plus 1 by K2. K dash kitna hai? 2K1? 1 by 2K1 plus 1 by K2. And as a result, मेरे को ये 1 by K equivalent है, तो मुझे K equivalent find करना है. K equivalent is 1 by 2K1 plus 1 by K2, the whole raised to minus 1. Will this suffice? If you are looking at the options, this I think will absolutely be satisfactory to our discussion. Fair enough. आप चाहते तो you know 2K1, K2, ऊपर K2, 2K1 ले सकते थे, पर मैंने options में देख लिया कि उनको कुछ complication नहीं चाहिए, उनको सीधा 1 by 2K1 plus 1 by K2, the whole raised to माइनस वन चाहिए, तो इस तरह हमने बना डाला. अच्छा, मैं राउंड टू का थ्री नंबर करने जा रहा हूं. राउंड टू का थ्री, वो भी इसी तरह कुछ स्प्रिंग के साथ एसोसिएटेड है. राउंड टू का थ्री, जितना टाइम हमारे पास अवेलेबल है उसको ध्यान में रखते हुए मैं कुछ न्यूमेरिकल्स पकड़ के शुरू कर लेता हूं. जो बाकी बचेंगे उनको नेक्स्ट टाइम ले लेंगे, नॉट अ बिग प्रॉब्लम एट ऑल. राउंड टू का थ्री, व्हाट डज इट से? द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग इज 2 seconds. सो टी इज 2 seconds मास एम का. इफ अलोंग विद इट अनदर मास 2 kg इज ऑल्सो सस्पेंडेड. अच्छा, तो एम डैश इज एम प्लस 2 kg. तो मास एम तो ऑलरेडी था, उसके साथ 2 kg और शिफ्ट किया, बढ़ाया. Period of oscillation increases by 1 second. So T dash is T plus 1. Matlab 2 plus 1. Kitna ho gaya? 3 second. What do you want? Mass M. Acha, case 1. Do you know T is equal to 2 pi root of okay? We'll keep it like this. Case 2, T dash is 2 pi root of M dash by K. Spring bhi same hai. And now dividing 2 and 1. So T dash by T, 2 pi cut, K K cut. Isn't it root of M dash by M? And jahan tak main janta hoon, M dash kitna hai? M plus 2. अपॉन ओरिजिनल कितना है एम? ए टी डैश और टी कितना है? टी डैश 3 है, टी 2 है, तो 3 बाय 2 इज रूट ऑफ एम प्लस 2 बाय एम. स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, यहीं पे स्क्वेयर कर लेते हैं. 9 बाय 4, सो 9m 4m प्लस 8, 9m माइनस 4m 8 by 5, isn't that 1 by 6, 1.6? Yes, 1.6. क्योंकि तू सीधा ही ऊपर 2 नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना, मजा आ जाएगा, डिवीजन का चक्कर ही नहीं. So 1.6 kg is your answer. मैं करने जा रहा हूं राउंड 2 का 35. राउंड 2 का 35 देखें जरा. राउंड टू का ही था तो ले लिया मैंने, उठा लिए लाइन. राउंड टू का 35 ऐसा क्या?
तो ढूंढ देंगे यार, ढूंढना तो हमारा काम भी है और अधिकार भी है और फर्ज भी है, और यही तो हमको आता है ढूंढना। राउंड होगा 35। अ ब्लॉक हूज मास इज 650 ग्राम, 650 ग्राम तुरंत ही उसको केजी में कन्वर्ट करने का मुहूर्त। हाँ, मैं पॉइंट के साथ ज्यादा तिर्रुम खानी नहीं करता, पॉइंट कब दगा दे देंगे पता नहीं चलेगा। इज फास्टन टू अ स्प्रिंग हूज स्प्रिंग कॉन्स्टेंट इज 65 न्यूटन पर मीटर। ओके, द ब्लॉक इज पुल्ड एट डिस्टेंस ऑफ 11 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एट एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड रिलीज फ्रॉम रेस्ट एट टी इक्वल टू जीरो। अच्छा, सीन कुछ इस प्रकार है, ये तुम्हारा स्प्रिंग है और ये ब्लॉक है, सरफेस फ्रिक्शन लेस है एंड ये इक्विलिब्रियम पोजिशन, यहां से खींचा गया है कितना सेंटी, 11 सेंटी और यहां से छोड़ा गया है, तो डोंट यू अग्री 11 सेंटी इज योर एम्पलीट्यूड, सो एम्पलीट्यूड इज 11 सेंटी, दैट मीन्स ए तुम्हारा ए ओके एज यू विश। आगे बढ़े, क्या चाहिए, द मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स। भाई वी मैक्स आई थिंक मुझे पता है ओमेगा ए होता, ओमेगा के है ना, रेडी रेडी एकदम रेडी, एम भी है। अच्छा, 650 इंटू 10 रेज टू माइनस 3 को 65 इंटू 10 रेज टू माइनस 2 कह सकता हूँ। थैंक यू यार, 65 कट, 10 रेज टू माइनस 2 ऊपर चढ़ जाएगा, 10 रेज टू 2 हो जाएगा एंड रूट ऑफ 100। क्या बात, टेरिफिक। सो ओ यस 1.1 मीटर पर सेकंड जो है, मुझे लगता है वो आंसर होना मांगता है। मैक्स वेलोसिटी 1.1 मीटर पर सेकंड, इज दैट ओके? ओके, मैं पीछे जा रहा हूं, मैं राउंड वन का 37 करने जा रहा हूं, राउंड वन का 37 एनर्जी के साथ रिलेटेड है, मैंने देखा तो अच्छा लगा, तुझे देखा तो ये जाना सनम, न्यूमेरिकल होता है दीवाना सनम। क्या बात, वाह, न्यूमेरिकल से ये टाइप का प्यार बहुत जरूरी है, जैसा राज का सिमरन के साथ था, तुझे देखा तो ये जाना सनम। भाई हर सम में जिसको सिमरन नजर आया ना वो है किंग, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर सम में सिमरन नजर आए, ज्यादा हो गया। अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज परफॉर्मिंग ऑसिलेशंस अबाउट ओरिजिन ऑन द एक्स एक्सिस विद एम्पलीट्यूड ए, तो एम्पलीट्यूड है उसका ए। ओके, इट्स पोटेंशियल एनर्जी, में पोटेंशियल एनर्जी आई भैया, यू इज समथिंग समथिंग क्या, अल्फा इंटू एक्स रेज टू 4। ओके, वेर एक्स इज, वेर अल्फा इज अ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द प्लेस, उन्होंने लिखा है एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द मास, भाई मास का कभी कोई कोऑर्डिनेट होता है, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द प्लेस वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1/3 काइनेटिक एनर्जी इज। अच्छा भाई सर क्या करें, किस तरह करें, अच्छा भाई पोटेंशियल एनर्जी तो दिया हुआ है, अच्छा द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, इजंट इट टोटल एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी हो या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हो, इजंट इट गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी, सो द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू टोटल एनर्जी विच इज, सो टोटल एनर्जी इज अल्फा इंटू एक्स की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, हाँ वही तो बता रहा था, सही बात, अल्फा इंटू ए रेज टू 4,
अब कोई शाना बोलेगा सर ये तो टोटल एनर्जी है, हमको तो काइनेटिक चाहिए। अरे पर मुन्ना, इजंट टोटल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल है कि नहीं, एंड एज अ रिजल्ट किनेटिक इज टोटल माइनस पोटेंशियल। टोटल बोलेगा तो अल्फा ए रेस टू फोर, एंड पोटेंशियल बोलेगा तो अल्फा इंटू एक्स रेस टू फोर। तो मुझे काइनेटिक भी मिल चुका है अल्फा कॉमन। वाह एकदम फर्स्ट क्लास, काइनेटिक भी अवेलेबल है, पोटेंशियल भी अवेलेबल है। अब इस इक्वेशन में डालो नाउ, पोटेंशियल एनर्जी इज 1/3 काइनेटिक एनर्जी। सोचने का नहीं, बस डाल देने का। पी अल्फा इंटू एक्स रेस टू फोर, 1/3 काइनेटिक एनर्जी अल्फा, बूम बूम। तीन को यहां ले आओ तो 3x^4 इज ए रेस टू फोर माइनस एक्स रेस टू फोर। ये माइनस एक्स रेस टू फोर को इधर, तो 3 + 1 क्या बात है। तो एक्स रेस टू फोर इज इंट इट ए रेस टू 4/4 भाई, टेक रूट भाई, टेक रूट। बोलो। अरे यार फोर्थ का पहला रूट कितना होता है, 2। मैंने पहला रूट मारा तो एक्स रेस टू 4 का रूट क्या हो गया, एक्स रेस टू 2। उसी तरह यहां ए रेस टू 2, 4 का रूट क्या, 2। अब एक और मार, टेक रूट। तो एक्स स्क्वायर का रूट एक्स, ए का रूट प्लस माइनस डाल सकते हैं, एंड 2 का √2। क्या आंसर चेक करो, है क्या +-a/√2। सही है भाई यहाँ। हाँ पर वो इंटरसेक्शन है, वहां पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है, और वो नॉर्मल SHM है। उन्होंने यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अल्फा एक्स रेस टू 4 बताया है, एंड पोटेंशियल इज 1/3 किनेटिक। तुम इस तरह कैसे क्लिक कर सकते हो, ये तो अट्टे कट्टे आंसर आ गया। अगर मैं यहां पे कुछ और वर्ड लिख देता तो चेंज हो जाता ना मैटर। जी तुझे अगर याद हो, तेरा ग्राफ ऐसा था है ना, ये तेरा मैक्स पीई है, एंड यही तेरा टोटल एनर्जी है। तो याद रखना हमेशा मैक्स पीई या मैक्स केई इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल एनर्जी, क्योंकि मैक्स पीई पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाता है, एंड काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए तो उसका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है। तो ई इज इक्वल टू के ई प्लस पी, तो के ई उड़ गया, तो ई इज इक्वल टू पी मैक्स। फेयर इनफ। ओके सो आई थिंक वी विल स्टॉप हियर फॉर द डे, एंड जो मैं दूसरे लाया था आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में उसको उठा लूंगा, एंड सिंपल पेंडुलम डैम्प्ड ऑसिलेशंस करके हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ऑलराइट सो यू ऑल टेक केयर, यू कीप डूइंग दीज सम्स, होमवर्क पोस्ट कर दूंगा मैं, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।